सीरियल भाभी जी घर पर है में दर्शकों को इस सीन में विभूति और मनमोहन का फाइट सीन देखने को मिल सकता है। विभूति और मनमोहन एक छोटी सी चीज को लेकर झगड़ा करने लगेंगे। दरअसल होगा यूं कि गर्मी के कारण दोनों भाभी जी अंगूरी और अनीता को गर्मी लगेगी। मोहल्ले वालों से मनमोहन और विभूति को पता चलेगा कि मास्टर जी के पास कूलर है। गर्मी को भगाने के लिए और दोनों भाभी जी को खुश करने के लिए ये दोनों अलग अलग से चोरी करने का प्लान बनाएंगे। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं जहाँ इस सीन की शूटिंग चल रही है और जानते हैं कि ये दोनों इसमें कैसे कामयाब होते हैं। साथ ही जानते हैं कि मनमोहन जी का इस पूरे सीन के बारे में क्या कहना है। कूलर एक्चुअली हम लोग चुराने आए हैं। क्या है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और भाभी जी जो है वो बार बार नहा रही हैं और बीमार हैं, उनको कूलर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर अंगूरी का भी हालत ख़राब है, तो दोनों ने प्लान किया कि किस तरह से कहीं से कूलर या एसी लाया जाए, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि सब बिक गया है माल पूरा। कानपुर की बुरी हालत है, तो उनके दिमाग में आता है कहाँ से ले। तो सक्सेना उनको आइडिया देता है कि मास्टर जी जो है उनके घर में कूलर लगा है, तो उस कूलर की चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद कूलर किसके घर में रखा जाए इसको लेके झगड़े होते हैं, तो डिसाइड होता है कि चलो तिवारी जी के घर में। तो तिवारी जी के घर में धीरे धीरे करके पूरा मोहल्ला फंसा जाता है। अब आइडिया ये है कि कूलर इसलिए लगाया है कि किसी तरह से जो है जब सोएंगे तो कुछ ऐसा स्थिति बने कि भगवती जी भाभी जी के करीब सोएं और हम अनीता भाभी के, तो मतलब वो उसमें पूरी कॉमेडी है कि कौन कहाँ सोएगा। लेकिन बाद में कुछ गणित ऐसा बैठता है कि अंगूरी और अनीता भाभी साथ सोती है और ये दोनों साथ सोते हैं। नहीं, हमारे पास तो लाश है।